रविवार रात गुरुग्राम में इतनी भीषण आग लगी कि फरीदाबाद, झज्जर और रेवाड़ी से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलानी पड़ गई। 30 से ज्यादा गाड़ियां पिछले 12 घंटे से जद्दोजहद कर रही है कि इस आग पर काबू पाया जा सके। इस आग ने कितना विकराल रूप धारण किया है वो आपको इस खबर में हम दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। बीती रात तकरीबन 12 बजे गुरुग्राम के बजगेड़ा इलाके में एक प्लास्टिक के गोदाम में इतनी भीषण आग लगी कि उसकी वजह से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल हो गया और ये आग इतनी भीषण थी कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि जहां पर ये आग लगी उसके आसपास तकरीबन 100 से 150 झुग्गियां थी जो इस आग की चपेट में आ गई और ये सारी झुग्गियां भी इस आग में जलकर खाक हो चुकी हैं। आग इतनी भयानक है कि रात तकरीबन 12 बजे से सुबह के 12 बजने वाले हैं लेकिन अभी तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। फायर ब्रिगेड ने जब देखा कि इस आग पर काबू पाना, जल्दी काबू पाना नामुमकिन है, इसके लिए इन्होंने फरीदाबाद, झज्जर, रेवाड़ी जैसे जिलों से भी दमकल केंद्र की गाड़ियों को बुलाया है और 30 से ज्यादा गाड़ियां पूरी रात से इस आग को बुझाने में लगी हुई है। शुरुआती जानकारी जो मिली कि किसी झुग्गी में किसी छोटे सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से यह आग फैलती चली गई और पास में ही जो एक प्लास्टिक का गोदाम बताया जा रहा है कि मारुति कंपनी का एक गोदाम है जहां से प्लास्टिक का सामान आया करता था और उस सामान में ये आग लग गई। जो टीन शेड बना हुआ था वो टीन शेड उस आग पर गिर गया जिसकी वजह से आग को बुझाने में मुश्किलें सामने आ रही हैं और आग को पूरी तरह से काबू नहीं किया जा सका है। ये अभी तक आप लोगों ने रात की तस्वीरें देखी, आप थोड़ा उजाले की तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं कि अभी भी वहां पर आग इसी तरह रह रहकर उठ रही है, लेकिन दमकल केंद्र के कर्मी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। गनीमत यह रही कि इस पूरे हादसे में किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन शुरुआती कारण जो माने जा रहे हैं वो ये कि जो एक झुग्गी थी उसमें ये आग लगी और उसकी वजह से जो छोटे छोटे सिलेंडर रखे हुए थे झुग्गियों में उनमें रात में ब्लास्ट होने लगा जिसकी वजह से ये आग फैलती हुई चली गई और 150 झुग्गियां इस आग में जलकर खाक हो गई। साथ ही प्लास्टिक का जो ये गोदाम था वो भी पूरी तरह से इसमें जल गया है जिसमें लाखों रुपए का नुकसान भी हो गया है। क्या प्रॉब्लम? एक डेढ़ घंटे पहले की बात है, लगभग होंगे 12:30 के लगभग ये मैसेज मिला था हमारे को, तो हमारे गाड़ियाँ निकाल दी भीमनगर से 29 से और 37 से IMT मानेसर मारुति की, ये सभी गाड़ियाँ आ रही हैं और फरीदाबाद से भी बुलाई जा रही है गाड़ियाँ जी, तो इसको जल्दी ही कंट्रोल कर लेंगे। तो कितनी क्या झुग्गी थी और कितने एकड़ में आग लगी अब तक? अभी कुछ नहीं कह सकते किस वजह से, वो बता रहे हैं कि लोग भाई यहाँ के बता रहे हैं कि झुग्गी में आग लगी थी पहले, एक दो झुग्गी होगी जिसकी वजह से, तो एकदम से जो बॉडी का स्प्रे होता है शायद उसकी वजह से ज्यादा भया। अभी तो सर बाहर की कोई गाड़ी आई नहीं, अपने गुड़गांव की गाड़ियाँ हैं, मारुति की बुलाई है अभी गाड़ी हमने और इसकी DLF की बुलाई है, कुछ भादरगढ़ से बुला रहे हैं और फरीदाबाद से बुला रहे हैं जी। तो एक साइड में मकान है उसमें थोड़ा रिक्स हो रहा है, अभी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ से जी, जब देखते हैं इसके अंदर घुसने के, इसीलिए हम यहाँ पे जो हमारी टीम आ गई है अंदर घुसेंगे अभी इसमें, ठीक है, आगे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक रही होगी कि 12 घंटे बाद भी दमकल विभाग के कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है इस आग पर काबू पाने के लिए। बस गनीमत यह है कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।